नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। भारत को तोड़ने फोड़ने के नाम पर पुरानी पतलून की जगह नई पतलून पहन चुके नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली के सारे खड़ग बाण सब धराशायी हो गए। प्रतिनिधि सभा के लिए हुए चुनाव में ओली की कोई बकलोली काम नहीं आई और अब वह प्रधानमंत्री पद की दौड़ में तो छोड़िए, नेपाल की राजनीति में हाशिए पर पड़ी खटिया पर गिर गए हैं। नेपाल की संसद की कुल 275 सीटों के लिए हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है। हालांकि केपी शर्मा ओली और वर्तमान पीएम शेर बहादुर देउबा अपनी अपनी सीट जीत गए हैं। 2015 के बाद से नेपाल में दूसरा मौका है जब यहां पर चुनाव हुए हैं। इससे पहले साल 2019 में एफपीटीएफ प्रणाली के तहत ओली के नेतृत्व वाले गठबंधन सीपीएनयूएमएल ने 165 सीटों में से 80 सीटें जीती थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन अभी तक नेपाल के चुनाव के जो शुरुआती नतीजे आ रहे हैं उनमें फिलहाल नेपाली कांग्रेस सबसे आगे दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि देउबा नेपाली कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। दरअसल यह चुनाव सिर्फ नेपाल की जनता के लिए नहीं हो रहे हैं बल्कि भारत और चीन की नजरें भी नेपाली चुनाव पर टिकी हुई है। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को जिताने के लिए चीन ने पूरी ताकत झोंक दी थी। चीन ने ओली के चुनाव अभियान के लिए भारी फंडिंग की है। यही नहीं, ओली की मासूका यानी काठमांडू में चीनी राजदूत हाउ यांग की भी ओली के लिए रात दिन रणनीति बना रही थी। लेकिन जैसे जैसे मतों की गिनती शुरू हुई और ओली की डोली पर कारों का कहर टूटा, हाउ यांकी का बिस्तरा भी नेपाल से गोल हो गया। ओली की हार का आभास होते ही चीन ने हाउ यांकी को वापस बुला लिया है और अब उनके स्थान पर चैंग सोंग को राजदूत बनाने जा रहा है। हाउ यांकी चीनी तानाशाह शी जिनपिंग की एक ऐसी वुल्फ वॉरियर थी जिन्होंने अपने खूबसूरत चेहरे का इस्तेमाल नेपाल में ड्रैगन की जड़ों को जमाने में किया था। यही नहीं, चीनी राजदूत हाउ यांकी ने केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री रहने के दौरान उन्हें एक तरह से अपने वश में कर लिया था और उन्हें अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया था। चीनी राजदूत के इशारे पर ही ओली ने विवादित नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में भारत के साथ लगे विवादित इलाकों काला पानी और लिपु लेक को शामिल कर लिया गया था। प्रधानमंत्री रहने के दौरान ओली ने भारत के खिलाफ कई जहरीले बयान भी दिए थे। पिछले दिनों जब धारचूला से ओली ने अपना चुनावी अभियान शुरू किया था तो उन्होंने भारत के टुकड़े करने का वादा किया था। चीन को उम्मीद थी कि हाउ यांकी 2017 का इतिहास दोहराने में भूमिका निभाएगी। उस दौरान चीन ने प्रचंड और ओली के बीच समझौता कराया था और दोनों की मिलकर सरकार बनी थी। हालांकि बाद में यह गठबंधन टूट गया और प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस से हाथ मिला लिया। हाउ यांकी इस बार यह मेल मिलाप कराने में नाकाम रह गई, जिसके बाद चीन ने अपनी महिला राजदूत की छुट्टी कर दी, यानी ओली के साथ हाउ यांकी की भी नेपाल से विदाई हो गई। फिलहाल नेपाल में मतपत्रों की गिनती जारी है। इस गिनती से जो भी परिणाम आ रहे हैं वह भारत को राहत देने वाले हैं, क्योंकि इन चुनाव में उन नेताओं की हताशापूर्ण स्थिति है जो भारत के खिलाफ नेक्सस बनाने की तैयारी कर रहे थे। सबसे संतोष की बात यह है कि चीन के पिट्ठू ज्यादा सफलता अर्जित नहीं कर पाए हैं और नेपाल में बेशक गठबंधन वाली सरकार बने उस पर चीन से ज्यादा भारत की पकड़ रहेगी। यह चुनाव चीन ने भी लड़ा है और भारत भी इसमें रक्षात्मक मुद्रा में रहा है, लेकिन चीन बुरी तरह मुंह की खाकर वापस लौटा है। हाउ यांकी पर गाज गिरना चीन की झुंझलाट को जाहिर भी करता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।